नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एक्चुअली में हम लोगों का जो परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर परिवार का मतलब ये है कि पाठशाला की टीम में जो कंटेंट वाले लोग काम करते हैं, जो टीचर्स काम करते हैं, जो टाइपिस्ट काम करते हैं, वैसे परिवार तो बहुत बड़ा है। आप खुद देख रहे हैं 5,60,000 लोगों का परिवार हो चुका है। फिलहाल अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारे पीछे बैकएंड के लोग काम करते हैं, चाहे वो कंटेंट वाले हो, टाइपिस्ट हो, अरे टेक्निकल टीम हो, उसके अलावा बहुत सारे जो टीचर हैं, तो अभी पाठशाला की तरफ से एक नई हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये हायरिंग है मेनली कह सकते हैं कंटेंट डेवलपर के लिए। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा कंटेंट डेवलपर का काम भी करना चाहता है, मतलब वो कंटेंट को राइट करना चाहता है, नए क्वेश्चन को फॉर्म करना चाहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालना चाहता है, और सब्जेक्ट में बता देते हूँ कि किन किन सब्जेक्ट के लिए हमें ये वो चाहिए, मतलब बच्चे चाहिए, तो ये है इंग्लिश। इंग्लिश के साथ साथ GS करंट अफेयर, इसमें आप GS का मतलब यहाँ पर आप साइंस को भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग मैथ, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसमें नहीं है मेंशन, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हुए और वो कंटेंट डेवलपर का काम करना चाहता है, कंटेंट का काम करना चाहता है ट्रेड के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा नीड है इस समय। तो आप जो है ना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं इस एक गूगल फॉर्म की लिंक डलवा दूंगा, आप उसको भर दीजिएगा। आप अपना फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम आपको खुद में खुद कॉल कर लेगी। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है मैंने बताया कि गूगल फॉर्म इस कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर डलवा दूंगा, आप फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी इन सारे सब्जेक्ट के लिए हमें आपकी ज़रूरत है, मतलब कह सकते हो कंटेंट राइटर की ज़रूरत है, लेकिन मेनली कह सकते हैं कि अगर आपका डिप्लोमा या बीटेक है और आप किसी ट्रेड में जो है ना अच्छा कमांड किए हुए, जैसे कि आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं, ओके, तो आप बेशक इस फॉर्म को भरिए और इसके बाद जो है ना फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको फ़ोन के थ्रू बता दिया जाएगा। तो चलो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो कानपुर के आसी पास के लोग हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके साथ। कह सकते हो कि पढ़ाई काम के साथ साथ पढ़ाई भी करना या पढ़ाई के साथ साथ काम करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।